नेक्स्ट आर्टिकल इज 18th आर्टिकल, डिलीशियस फूड्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी अलग अलग कंट्री के अलग अलग डिलीशियस फूड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। सम स्पेशल फूड्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री। कोई भी कंट्री का एक स्पेशल फूड होता ही है। ए फूड कैन बी कंसिडर्ड ए नेशनल फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। और वो कंट्री के लिए फेमस है तो उसको नेशनल फूड बोलते हैं, और वो बहुत सारी ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से उसको ये नेम दिया है नेशनल फूड। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ फूड्स फाउंडली ईटन बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड राइट देयर नेम। अभी यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं कुछ डिशेस के, फूड्स के, वो अलग अलग कंट्री के हैं, सो उसका नेम लिखना है क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्पेन में ये फूड बहुत माना जाता है, खाया जाता है कि ये वहाँ का डिलीशियस फूड है। ओके, स्पेन का, सो इसका नेम देखते हैं हम क्या है। हेल्प बॉक्स में दिस डिश नेम इज सी फूड पेल्ला जो है वो स्पेन का डिलीशियस फूड माना जाता है। सी फूड पेल्ला, SEAFOOD, सी फूड PAELL, पेल्ला। ओके, नेक्स्ट इंडिया का। अभी ये तो देखकर आप लोगों ने नेम भी बोल दिया होगा, ये इंडिया का क्या है डिलीशियस फूड, मसाला डोसा। ये इंडिया का डिलीशियस फूड है, फेमस फूड है। MASALA, मसाला, DOSA, डोसा। ओके, नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम का जो डिलीशियस फूड है वो है पोटैटो चिप्स। ये यूनाइटेड किंगडम का नेशनल फूड है, सो POTATO, पोटैटो, CHIPS, चिप्स। ओके, नेक्स्ट कैनेडा का ये पिक्चर में देखिए, कैनेडा का ये जो फूड है उसका क्या नेम है देखेंगे। इसे बोलते हैं पाउलिन, क्या बोलते हैं पाउलिन। ये कनाडा का फूड का नेम है पाउलाइन, PAULINE, पाउलाइन। ओके, नेक्स्ट मेक्सिको जो कंट्री है उसका फेवरेट फूड ये है, सॉरी फेमस फूड ये है, सो देखेंगे नेम। टैकोस इज द फेमस फूड ऑफ मैक्सिको कंट्री। टैकोस, TACOS। नेक्स्ट थाईलैंड का जो फेमस फूड है वो है सोमटाम जो है वो फेवरेट फेमस फूड है थाईलैंड का, सोम टाउन। ओके, नेक्स्ट हांगकांग का जो डिलीशियस फूड है, डिलीशियस फूड हांगकांग का वो है फ्रेंच टोस्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टोस्ट है, वो फ्रेंच टोस्ट, FRENCH, फ्रेंच, TOAST, टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कंट्री का कौन सा है डिलीशियस फूड देखेंगे। सीयर चिकन पाम इज द नेशनल फूड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सी एच
ICKEN चिकन, पाम PIAR M पाम। नेक्स्ट सिंगापुर, सिंगापुर का जो डिलीशियस डिश है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्रैब है, क्रैब को क्रैब खाते हैं वहाँ पर, क्रैब खाते हैं वहाँ के लोग, सो चिल्ली क्रैब वहाँ का डिलीशियस फूड है। CHILLI चिल्ली, CRAB क्रैब। ओके, सो यहाँ पर हमने 18th आर्टिकल डिलीशियस फूड्स ऑफ द वर्ल्ड देखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाइनटीन्थ आर्टिकल वर्ल्ड टूर मीन्स वर्ल्ड के बारे में अभी हम और इंफॉर्मेशन लेंगे। सो देखते हैं, लेट्स गो ऑन द वर्ल्ड टूर एंड एक्सप्लोर सम अमेजिंग प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स, रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड नेम द प्लेसेस यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। अभी यहाँ पर बहुत सारे फोटोज में, पिक्चर्स में आपको लैंड फॉर्म्स प्लेसेस दिखाए गए हैं। ओके, सो उसके नेम हमें लिखना है हेल्प बॉक्स में से। सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पर जो ग्राउंड आपको बताया है, ये जो प्लेस है, ये प्लेस द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, ये क्रिकेट ग्राउंड है और हाईएस्ट मीन्स ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर ये क्रिकेट ग्राउंड है जो सबसे ऊंचा है। ओके, सो इसका नेम देखते हैं हम क्या है हेल्प बॉक्स में। सो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड नेम इज चेल, चेल CHAIL चेल। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कंट्री, अभी ये जो यहाँ पर प्लेस दिखाई है, ये वहाँ का फेमस प्लेस है और ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। अभी ये कौन सी स्मॉलेस्ट कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, देखेंगे। वेटिकन सिटी जो है ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। VATICAN वेटिकन सिटी, CITY सिटी। नेक्स्ट द डीपेस्ट ओशन, ये एक ओशियन है जो बहुत क्या है, गहरा है, बहुत डीप है। सो ये देखेंगे कौन सा ओशियन है, जैसा कि हमें पता है कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है और वो डीप भी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज पैसिफिक ओशियन, PACIFIC पैसिफिक ओशियन, OCEAN ओशियन। नेक्स्ट द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर, अभी यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग दुबई में है और ये इंसानों ने बनाई हुई है, ये स्ट्रक्चर जो बहुत टॉल है, बहुत लंबी है। तो देखते हैं इसका नेम, तो दिस बिल्डिंग नेम इज बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा इस बिल्डिंग का नेम है जो बहुत फेमस है, बुर्ज खलीफा, BURJ बुर्ज खलीफा, KHALIFA खलीफा। ओके, नेक्स्ट द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, अभी रेलवे स्टेशन तो आप सबने देखा होगा, बट ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दुनिया का। सो इसका नेम देख लेते हैं हम, इसका नेम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये रेलवे स्टेशन का नेम है।
लिख लेंगे हम यहाँ GRANDE ग्रैंड CENTRAL सेंट्रल टर्मिनल TERMINAL प्लेस ना हो तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट द लार्जेस्ट डैम। लार्जेस्ट डैम, आप लोग पैठन तो गए होंगे, वहाँ पर डैम देखा होगा, डैम किस तरह से रहते हैं, उसको डोर्स होते हैं। सो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा डैम है, तो हम देखते हैं इस डैम का नेम क्या है। इनहेल बॉक्स सी थ्री गॉर्जेस डैम, थ्री गॉर्जेस डैम बोलते हैं इसे। ओके तो लिख लेंगे उसका नेम THREE थ्री GORES GES गॉर्जेस डैम DAM डैम। नेक्स्ट द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम साइज को बोलते हैं। ये साइज में बहुत बड़ी लेक है, झील है, और फ्रेश वाटर की लेक है ये, उसमें फ्रेश वाटर है। सो इसका नेम क्या है हम देखते हैं। दिस लेक नेम इज लेक बाइकल, लेक बाइकल जो है वो ये फ्रेश वाटर की लेक है जो लार्जेस्ट है। तो लिख लेंगे LAKE लेक BAIKAL बाइकल, लेक बाइकल। ओके नेक्स्ट द हाइएस्ट वाटरफॉल, आपने देखा होगा वाटरफॉल किसको बोलते हैं, जो ऊपर से पानी नीचे गिरता है। ओके सो वाटरफॉल देखते हैं, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऊंचा वाटरफॉल है, इसका नेम क्या है। एंजल फॉल्स, इसे एंजल फॉल्स बोलते हैं। इसने इस हाईएस्ट वाटरफॉल का नेम एंजल फॉल्स है, ANGEL एंजल FALLS फॉल्स। नेक्स्ट द मोस्ट पॉपुलस सिटी, पॉपुलस मीन्स पॉपुलेशन, जहाँ ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो कौन सी सिटी है। तो देखेंगे दिस सिटी नेम इज शंघाई, शंघाई जो है ये सिटी में बहुत पॉपुलेशन है, लिख लेंगे SHANGHAI शंघाई। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये एक माउंटेन है, पीक मीन्स चोटी को बोलते हैं, जो एकदम लास्ट में माउंटेन पर होती है। सो ये सबसे बड़ा माउंटेन है, देखेंगे कौन सा है। सो दिस इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। सो लिख लेंगे MOUNT माउंट एवरेस्ट, EVERESTE माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने देखा था ऊपर, वॉल्यूम साइज को बोलते हैं। ये लार्जेस्ट रिवर है, ये साइज में बहुत बड़ी रिवर है। सो देखेंगे कौन सी है वो, अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर जो है वो साइज में, वॉल्यूम में बहुत लार्जेस्ट है, बहुत बड़ी है। सो लिख लेंगे AMAZON अमेजॉन रिवर। ओके द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट, ये बहुत बड़ा हॉट डेजर्ट है, गर्म है, वहाँ बहुत गर्मी रहती है, रेड कलर की सॉइल होती है, और ये इसका नेम क्या है हम देखेंगे। ये डेजर्ट का नेम है सहारा, सहारा इज द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट, SAHARA सहारा। ओके तो इस तरह से हमारा जो ये आर्टिकल वर्ल्ड टू था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेव इलेक्ट्रिसिटी, प्ले दिस बोर्ड गेम विथ योर फ्रेंड, स्टार्ट द गेम, लेट्स सी हु रीचेस द एंड फर्स्ट, यूज अ डाइस एंड मार्कर टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर
आपको एक गेम दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आपके फ्रेंड्स के साथ खेलना है। जो डाइस होता है, गुड़ गुड़ी जो होती है, वो नंबर्स उसको फेंक कर जो भी नंबर्स आते हैं वो उससे ये प्ले करना है गेम। और एक मार्कर या पेंसिल आपके हाथ में रखना है और जो पहले पहुंचता है एंड में वो विनर। सो इस तरह ये जो हमारा चैप्टर 4 था द वर्ल्ड अराउंड अस, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।